हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हैदर, आप देख रहे हैं हैदर व्लॉग्स। आज हम केउझर विजिट किए थे। केउझर में आपको सानो घाघरा का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। सानो घाघरा घूमकर सानो घाघरा में क्या क्या है हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सानो घाघरा का पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होने के कारण मैं आपसे सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको बिजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर में लैंड करना पड़ेगा। भुवनेश्वर से आपको बाय ट्रेन या बाय बस के थ्रू जाना पड़ेगा। यहाँ बाय एयर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर कटक पुरी से ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप लोग रेलवे स्टेशन जाए, वहाँ जाके पता करें ट्रेन का टाइम टेबल क्या है। मेरे को टाइम टेबल का इतना नॉलेज नहीं है। ट्रेन के टाइम टेबल के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो उड़ीसा के हर कोने बस की फैसिलिटी अवेलेबल है केउझर के लिए। दोस्तों, हम लोग अभी केउझर में प्रवेश कर चुके हैं। ये केउझर का मार्केट है। यहाँ एक छोटा सा टेम्पल है जो आपको केउझर मार्केट के ऊपर ही देखने को मिलेगा। वाओ, यहाँ एक बड़ा सा वाटर टैंक भी देखने को मिलता है। केउझर मार्केट से सानो घाघरा वाटरफॉल का डिस्टेंस 5 से 6 किलोमीटर का होगा। यहाँ पे रास्ते में कुछ काम चल रहा है तो हम लोग थोड़ा सा राइट लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वसूली का काम चालू है, लेकिन इन लोगों ने हमें नहीं रोका। जब हम लोग यहाँ सानो घाघरा वाटरफॉल के पास ही पहुँचे थे तो हमें पता चला कि यहाँ एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है बड़ो घाघरा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले बड़ो घाघरा चलते हैं, फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग फिर सानो घाघरा चलेंगे। Thank you.
है बड़ो घाघरा वाटरफॉल का रास्ता। इस इलाके में पहुंचने के बाद हर तरफ हरा भरा जंगल ही दिखता है, जो आपके ट्रिप को और भी खूबसूरत बना देता है। हम अभी बड़ो घाघरा वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं। दोस्तों ये है बड़ो घाघरा वाटरफॉल लेक। अच्छा भाई ये नदी है या लेक है? नहीं नहीं झील का पानी है, स्टॉक रखा है, होल्ड कर रहे हैं। यहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर के दूरी पे वाटरफॉल है, हम लोग वहाँ नहीं पहुंच पाए किसी कारण। यहाँ से आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये बड़ो घाघरा का झील है, ये देखिए। दोस्तों हम अभी सानो घाघरा पहुँच चुके हैं। ये वाला सानो घाघरा का एंट्री गेट है, यहाँ अंदर जाने से पहले टिकट लेना पड़ता है। ये सानो घाघरा का पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करके अंदर जा सकते हैं। जब आप यहाँ ऊपर पहुँच जाते हैं तो आपको सामने में ही एक बड़ी सी डायनासोर की स्टैचू देखने को मिलती है। ये साना घाघरा का वाटरफॉल है, अभी हम चलेंगे नीचे वाटरफॉल देखने के लिए। सामने वाला हिस्सा काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ झरने का वो हिस्सा दिखाने, जहाँ से नहर हमको खूबसूरत दिखेगा, नहर का वो हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। ये वाला हिस्सा काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। ये है सानो घाघरा का नहर जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है आपको। ये सानो घाघरा का नहर है, ये बहुत ही ऊपर से आ रहा है पानी यहाँ का। यहाँ मेरे ख्याल से पानी की साउंड की वजह से मेरा जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो रहा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये ऊपर से नहर आ रही है और ये धीरे धीरे पानी में ऐसे नीचे से और एक नहर बनता हुआ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये सीधा आगे से और भी आगे चला गया है।
जो आपको और भी नहर बनते हुए आगे दिखेंगे। हम उस साइड नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है। बैरिकेड के बाहर जाए तो खतरा बहुत ज़्यादा है, पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। ये सानोभागरा का एरिया है जो खूबसूरत तो काफ़ी है, उसमें कोई शक नहीं, खूबसूरत काफ़ी है। अभी पानी का रंग मिट्टी जैसे आ रहा है क्योंकि अभी नई पानी आई हुई है बारिश की वजह से, बारिश की पानी आई है इसीलिए। यहाँ ऊपर ऊपर तक जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा, इतने बड़े बड़े चट्टान हैं यहाँ पे। यहाँ भी देख लो कितनी बड़ी बड़ी चट्टान। और ये देखिए यहाँ इतनी बड़ी तालाब के बीच में शंकर भगवान की मूर्ति जो और खूबसूरत बना देती है। और इस तालाब में आप लोग यहाँ आके बोटिंग कर सकते हो, यहाँ बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप में से कोई भी लोग यहाँ आए और बोटिंग भी कर सकता है, बोटिंग की बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये बहुत बड़ी तालाब है दोस्तों। ये वाला हिस्सा सानोभागरा का बोटिंग एरिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग कोई आना चाहता है तो इजीली बोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। इस तालाब में जाके आप नीचे से बोटिंग कर सकते हैं। ये लोग अभी बोटिंग के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे हैं। दोस्तों हम लोग सानोभागरा आए थे घूमने के लिए। ये उड़ीसा के केंद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सानोभागरा। ये वाटरफॉल बहुत ही बड़ा है, बहुत ही देखने लायक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उड़ीसा की हर एक टूरिस्ट प्लेस हम आपको दिखाएँ। तो दोस्तों सानोभागरा का ये वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त। बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आने वाले नए वीडियो के लिए।